हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं एक एडिटोरियल डिक्टेशन लेके आई हूँ, जिसकी सबसे पहले मैं आपको स्मार्ट आउटलाइन बताऊंगी। जो स्मार्ट आउटलाइंस होती हैं हमारी, वो हमारी डिक्टेशन का कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जब आप कॉन्फिडेंटली लिखना चाहते हैं तो उस समय पे आपका जो टफ वर्ड होते हैं ना, उन पे आपकी शार्प पकड़ होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी स्मार्ट आउटलाइन बताऊंगी, आफ्टर दैट मैं आपको ये पूरी डिक्टेशन लिख के दिखाऊंगी और उसके बाद हमारा कंसेप्ट चलेगा डिक्टेशन का। तो ये जो कंसेप्ट आपका चलेगा, इसमें आपको स्मार्ट जो टफ वर्ड है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब हम डिक्टेशन लिखेंगे पूरी, तो उस समय पे एडवांस आउटलाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस कौन सा शब्द कैसे बनाना है आपको ये क्लियर हो जाएगा। एंड इन लास्ट जब हम डिक्टेशन देंगे, तो डिक्टेशन लिखते समय भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, जिससे कि आपको अच्छी स्पीड में डिक्टेशन लिखने की हैबिट पड़ेगी। ये डिक्टेशन लेवल्स 40, 60, 70, 80, 90 एंड 100 तक की स्पीड के होंगे, ताकि हर लेवल का स्टूडेंट उससे उससे बेनिफिट ले सके और उसको यूटिलाइज कर सके। तो चलिए देखते हैं ये वर्ड्स किस तरह से बन रहे हैं। थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड से रिलेटेड डिक्टेशन है, जो कि हमारे देश ने अभी कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह पे वर्क हुआ था, उससे रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बन रही है ये। सबसे पहला वर्ड है हमारा वैज्ञानिक। देखिए, विज्ञान शब्द जब हम लिखते हैं तो वा को शॉर्ट बनाते हैं ये, ज्ञा न और इसी में का की व्यंजन रेखा ऐड कर देंगे, वैज्ञानिक। और अकॉर्डिंग टू अगर प्लेस कहूं तो ये अबव द लाइन बनाओगे आप, ठीक है। अबव द लाइन बनाने का रीजन ये है क्योंकि ए की मात्रा लगी हुई है और ए हमारी फर्स्ट प्लेस की साउंड है, इसलिए हमने इसको अबव द लाइन बनाया है, ठीक है। इसके बाद हमारा शब्द आता है वजह। तो देखिए, ये व बना, ये जा बना, और यहीं से हमने ये बड़ा सा जो सर्किल बनाया, क्योंकि स्वा का सर्किल कभी भी लास्ट में नहीं आता है, हमेशा शुरू में आता है। तो ये वजह के लिए हमने लास्ट में इसका बनाया। बनती है, बा का जो शॉर्ट फॉर्म है वो बनाया, ना का व्यंजन रेखा बनाई, ता की व्यंजन रेखा और इसी में है ऐड कर दिया, बनती है। अब शब्द है कामयाब, ये भी अबव द लाइन लिखा जाएगा, कामयाब या का, ठीक है। गोपनीय, गा की व्यंजन रेखा, पा की व्यंजन रेखा, न और इसी में हमारा या शॉर्ट फॉर्म में ऐड हो जाएगा, इस तरह से गोपनीय, ठीक है। और ज्यादा क्लियर करना है तो ओ की मात्रा हम डिफाइन कर सकते हैं। मैं ऑलवेज आपको कहती हूँ कि मात्राओं को हटाना अकलमंदी नहीं है, उनको इस तरह से लगाना अकलमंदी है कि हम जब भी पढ़ें हमारी एक्यूरेसी का जो टारगेट है वो बहुत अच्छा रहे, ठीक है, और हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाए। तो इस तरह से गोपनीय शब्द लिखा। इसके बाद वर्ड है आपका वाजिब। वाजिब हमारा शब्द चिन्ह आता है, वाजिब, वेजा, वजह। तो वाजिब में वा में जा की व्यंजन लिखा वो हम ऐड करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अंतरिक्षयान, तो अंतर के लिए ये बड़ा ना की व्यंजन रेखा बनाया, इसमें पूरा अंतर आ गया। क्ष के लिए छा बनाया और या यहीं से ऐड करके ना ऐड कर दिया, तो बन गया अंतरिक्ष यान, ठीक है। इस तरह से ये शब्द हमारा डिफाइन हुआ। इसके बाद देखिए शब्द आता है पृथ्वी। तो प्र, पामेर, थ और वी। अब वी जब हम बनाएंगे तो एक तो हम इसको थर्ड प्लेस पे यहाँ पर वा का साउंड लगा सकते हैं, वा बना के, एक तो ये फॉर्मेट हो सकता है, नहीं तो क्योंकि ये शब्द ऐसा है बहुत ज्यादा यूज होने वाला नहीं है, तो हम इसको पूरा बना के और इसको अच्छे से पढ़ पाए वो ज्यादा जरूरी है। तो पृथ्वी इस तरह से लिखोगे आप, स्थापित किया है, तो इस्त का चाप बना के स्थापित किया है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका वर्ड आता है इस्तेमाल। इस्तेमाल हमेशा थर्ड प्लेस पे, इस्त का चाप बनाएंगे, इस्त का मा में बनाएंगे, ठीक है, और ला की व्यंजन रेखा को ड्रॉ करेंगे, इस्तेमाल शब्द इस तरह से बनेगा हमारा, ठीक है। इसके बाद लिखा है किया जा सकेगा। तो देखिए कम क्या किया का शब्द चिन्ह है,
जा सकेगा इसी में ऐड कर देंगे, किया जा सकेगा। इसके बाद शब्द आता है हमारा पूरा कर चुका है। अब देखिए पार पूरा परसों, तो हम उसी तरह से लिखेंगे इसको, देखिए है ना, पार पूरा परसों शब्द चिन्ह है हमारा, तो पूरा का जो शब्द चिन्ह है उसको ही लिखेंगे हम। तो कैसे लिखा, पूरा कर चुका है, पूरा कर चुका है, ठीक है। निश्चित न स च और ता, इसके बाद शब्द आता है आपका प्रयोग। इसमें कुछ भी शॉर्ट नहीं किया हमने, पूरा बनाया है, पा में रा का हुक ऐड किया है, या की व्यंजन रेखा है और गा है, प्रयोग, ठीक है। इस तरह से हम बनाएंगे इसको। इसके बाद हमारा शब्द आता है अमेरिका। अमेरिका ऑलरेडी हमने पिछली कई डिक्टेशंस में बनाया है, और जिसको मैं सिंपल इसी फॉर्म में एफ द लाइन बनाती हूँ, ठीक है। इसके बाद शब्द है आपका चिंता की बात ये है, तो ये पूरा एक एडवांस आउटलाइन है। एडवांस आउटलाइन आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तब आपका हाथ फ्लुएंटली चलेगा। तो देखिए कैसे लिखा हमने, हमने लिखा चिंता, ठीक है। तो चिन ये चा की व्यंजन रेखा, न ता की बात, यह है कि, इसी में ऐड हो गया चिंता की बात, यह है कि। शब्द है हमारा अमेरिकी यान, तो देखिए अमेरिकी यान, यान के लिए या और ना ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अंतरिक्ष यान लिखा था तब भी हमने या और ना ऐड किया है, अमेरिकी यान लिख रहे हैं तब भी हम, बस दो मार्क जरूर लगाएंगे ताकि ये शब्द क्लियर रहे आप। अब देखिए कभी भी शब्द आता ना बोइंग एक्स, अब इस तरह के वर्ड लिखने में एक्स लिखेंगे तो क और सा ए की मात्रा बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम वही फॉर्मेट अप्लाई कर देंगे। देखिए बोइंग के लिए, इंग के लिए ये विदाउट गैप वाला आ गया, एक्स 37 बी, ये लिखना हमें बहुत इजी होगा, या कि हम ये लिखें कि बोइंग एक्स, ठीक है। 37 अगेन हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा बी, तो इस शब्द को लिखने की अपेक्षा हमें ये ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए शब्द लिखा हुआ है बताया जा रहा है, तो बताया का शब्द चिन्ह हमने बनाया, जा रहा रही रहे के लिए जा की व्यंजन रेखा को डबल कर दिया। निर्माण, शुरू में रा का हुक है, लास्ट में ना का हुक है, ठीक है। अभियान, भा की व्यंजन रेखा, यान के लिए हमने ऑलरेडी पता ही रखा है, वही यूज होगा अभियान। अब देखिए शब्द है हमारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए यूरोपीय में ये बना हमारा यूरोपीय, बनाया नीचे दो मार्क किए ताकि पता चले कि ये किसी जगह का नाम है। इसके बाद हमने लिखा स्पेस एजेंसी, ठीक है, इस तरह से हम इसे पूरा बनाएंगे, स्पेस एजेंसी। साका व्रत, पाकी व्यंजन रेखा, साका व्रत, इसी से मिलाते हुए जा ना का हुक और स, एजेंसी वैसे भी हम लिखते हैं तो यही बनाते हैं एजेंसी, अबव द लाइन, ठीक है। इस तरह से ये शब्द हम बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए शब्द है हमारा विशेष, तो ये वा का शॉर्ट फॉर्म हो गया, सा की पूरी व्यंजन रेखा बनाई और सा का व्रत बनाए, विशेष। सॉरी अंतरिक्ष आन फिर से आ गया, कोई नहीं, हम फिर यहाँ पे इसको वर्क करेंगे। तो अंतरिक्ष यान, ठीक है। इसके बाद शब्द आता है हमारा उत्तर पश्चिम, तो देखिए उत्तर के लिए पूरी व्यंजन रेखा बनाई हमने और यहाँ से पश्चिम, उत्तर के लिए पुकटी ताकि व्यंजन रेखा को डबल किया तरदर के लिए, ठीक है। अब ये आपका वर्ड है जुक वुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ठीक है। तो अब इसको किस तरह से बनाएंगे हम, देखिए जा की व्यंजन रेखा या वा के लिए क्वा वाला बनाया और ये न, ये बड़ा बनेगा ये छोटा बनेगा, जुक वुआन सैटेलाइट, सैटेलाइट सेंटर, ठीक है। इस तरह से ये वर्ड बनेगा पूरा, जुकवान सैटेलाइट सेंटर, बड़ा वर्ड है और कंबाइंड भी हुआ है, तो आप जब तक इसको प्रॉपर सेपरेट प्रैक्टिस में नहीं लेंगे आपका हाथ नहीं चलेगा। और फिर ये ऐसे वर्ड हैं वो जो बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहे हैं डिक्टेशन, पर्टिकुलर डिक्टेशन, अभी एग्जाम में आप जा रहे हैं वहां किस तरह का वर्ड आएगा आपको नहीं पता, अगर यही क्लियर हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता, बट
ये क्लियर नहीं होता है कि एग्जाम में किस तरह की डिक्टेशन बोली जाएगी, तो उस समय पे हमें हर तरह के शब्द पर हाथ को चलाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके बाद वर्ड आता है आपका परिक्रमा। परी थर्ड प्लेस पे डिफाइन करके लिख सकते हैं इस तरह से, परिक्रमा, ठीक है। महारत, मा में हा का व्रत, रा में त, या तो ऐसे लिखिए या महारत, इसको छोटा कर दिया। ये कभी कभी पढ़ने में कंफ्यूजन हो सकता है कि किस लिए छोटा किया था, तो तब हम यहाँ पर ता का हुक लगा देते हैं, ठीक है, ताकि शब्द क्लियर बने, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो शब्द हम बना रहे हैं वो हमें क्लियर हो। इसके बाद आपका शब्द है हासिल करना, तो देखिए हासिल करना। उपग्रह, ये लाइन आ गई उपग्रह। अव्वल, तो हल्का सा डैश आ के लिए वा और ला, अव्वल। तकनीकी, छोटा सा ता छोटा सा ना। किया जा सकेगा, तो देखिए किया जा सकेगा। मकसद, म छोटा किया सा और द, मकसद, ठीक है। कुछ कुछ, तो देखिए कुछ कुछ डबल हो रहा है इसलिए। समय, ओके, समय का हमारा शब्द चिन्ह है, इसी को हल्का नीचे ले गए के लिए, समय के लिए। संभव, तो सा और मा और हल्का छोटा सा वा, संभव। इसी का अगर हमें असंभव लिखना हो, यही मैं बता देती हूँ आपको, तो कैसे लिखेंगे आप, इसको हल्का सा बाहर निकाल देंगे और इसी में वा जुड़ जाएगा। पूरी कर चुके हैं, तो कैसे लिखा हमने, ये हमारी लाइन आई पूरी कर चुके हैं। भरमार, भा में रा का हुक, मा में रा का हुक, भरमार। हासिल करने में, देखिए हासिल का तो वही शब्द आ गया, करने में इस तरह से बनेगा। कोशिश, का सा का व्रत, सा का व्रत, कोशिश, डबलिंग हुआ है ना इसलिए। शांति का हमारा सिंबल है, ठीक है, तो कैसे लिखा, शांति, शांति पूर्ण, ये उपसर्ग प्रत्यय से लिया हमने। क्षमता, सकारात्मक, तो देखिए सा को रा की तरफ घुमाया और आत्मक के लिए ता का लगा दिया, सकारात्मक। इसके बाद वर्ड है हमारा सोलर एनर्जी, तो सा में ला का लगाया, सा का व्रत, ला की व्यंजन रेखा को डबल किया, और ना में रा का हुक और जी, सोल, ठीक है। तो कम कोई का हमारा सिंबल है का की व्यंजन रेखा में। कोई भी वैज्ञानिक, वा में ज्ञाना, ऑलरेडी ये स्मार्ट आउटलाइन में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कोई भी वैज्ञानिक, प्रगति, खुशी की वजह बनती है, ठीक है। बा में ना का व्यंजन रेखा, ता और हा पूर्ण विराम, लेकिन यदि किसी वैज्ञानिक कामयाबी को गोपनीय रखा जाए तो चिंता होना वाजिब है, तो वाजिब लाइन के ऊपर आता है, इसी में है पूर्ण विराम। ऐसी ही, ऐसा ऐसी का हमारा शब्द चिन्ह है, अब ऐसी आया है तो यहाँ पर ई की मात्रा के लिए हम एक डॉट रख सकते हैं। ही स्थिति दुनिया में अभी बनी हुई है क्योंकि चीन, चूंकि ये एक जगह का नाम है तो हमें मार्क करना जरूरी है, ने गोपनीय तरीके से एक ऐसे अंतरिक्षयान को
पृथ्वी की कक्षा में स्थापित, ये आपका आएगा स्थापित किया है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, क्रॉस है आपका, ठीक है, स्थापित किया है, जिसे लौटाकर दोबारा अब यहां पर देखिए जो वर्ड हम लिखेंगे उसको किस तरह से लिखेंगे, दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा कक्षा में यान। अब चूंकि सिंगल आ रहा है तो हमें मात्रा देनी पड़ेगी ताकि हम शब्द को समझ पाए। स्थापित करने का चरण वो पूरा कर चुका है और एक निश्चित अवधि के बाद, बाद का हमारा शब्द चिन्ह है उसी को बनाएंगे हम, वह इस यान को चीन में ही किसी जगह, जागा और हाका व्रत बनाया हमने, उतारेगा, तो थर्ड प्लेस से बनाया हमने रेगा पूर्ण विराम। यह प्रयोग अमेरिका भी कर चुका है और चिंता इस बात की है कि अमेरिका ने भी अपने साउंड देके सेंटेंस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, इस अभियान को गोपनीय रखा था, रखा था मैं इसी में ऐड कर दिया हमने, यह चीनी यान। अब यहां पर एक मात्रा देंगे क्योंकि चीन नहीं है, अगर आप मात्रा नहीं देते हैं तो आप इसको चीन यान पढ़ेंगे, तो हमने लिखा चीनी यान। अब डिफरेंस कैसे होगा कि हमने ये मार्क कर दिया, दैट मींस कि ये किसी जगह का या कोई इम्पोर्टेंट नाम है इसलिए इस तरह से बनाया, तो हमने लिखा चीनी यान भी अमेरिका, अमेरिकी यान, ठीक है, इसको कंबाइन भी कर सकते हैं यहीं से, अमेरिकी यान बोइंग, तो बोइंग में बाकी व्यंजन रेखा इंग के लिए एक बगैर गैप का डॉट, बोइंग X-37B इसी के ऊपर लिखेंगे, ठीक है, ताकि आप इसको पढ़ पाए एक्स। अब देखिए बोइंग X-37B कोई भी इस तरह की डिजिट आती है ना तो आप उसको एज नियर एज लिखा कीजिए ताकि आप उससे लिंक बना पाए और उस शब्द को इजिली पढ़ पाए। देखिए गाइज अगर इजिली हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं अपनी शॉर्ट हैंड, कितना भी शॉर्ट कर लें, अगर वो शॉर्ट किया हुआ आप इजिली नहीं पढ़ पा रहे हो तो वो यूजलेस है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते फिर, ठीक है। जैसा बताया जा रहा है पूर्ण विराम, अमेरिका ने इसी, ठीक है, तो क्या हुआ, इसी साल 17 मई। अब देखिए 17 मई मैंने एक साथ लिखा ताकि मैं इन दोनों वर्ड को डिफाइन कर पाऊं कि क्या लिखा होगा मैंने, तो इस तरह से मैंने 17 मई। और हमेशा कोई इंग्लिश नेम आ रहा है जैसे हमने लिखना है BA, MA, MLA, तो अगर हम इनको शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो साउंड वाइज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इनको शॉर्ट हैंड में ना लिखकर आप इनको इस तरह से लिखें कि वो एक तो क्विक रीडेबल हो, आप जल्दी पढ़ पाए उनको और आपको समझ में भी आसानी से आए, तो आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको ये शब्द जल्दी समझ में आएंगे और आपको प्रॉब्लम कम होगी पढ़ने में, ठीक है। तो 17 मई को बोइंग, अभी कितनी भी बार आ जाए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आप जल्दी लिख पाएंगे, को
अपने छठे, तो देखिए छठे अभियान का कैसे लिखेंगे आप, यहां पर जब छठा लिखना है तो सिक्स बनाएंगे आप और यहां पर ये दे देंगे छठे, जैसे दोनों तीनों चारों में करते थे सेम ऐसे अभियान पर भेजा है पूर्ण विराम। दोबारा उपयोग के योग्य यान के निर्माण अभियान में यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ठीक है, तो अब यहां इसका भी मैं आपको बता चुकी हूं, तो कैसे लिखेंगे देखिए, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ठीक है, लगी है अभी जो स्थिति है उसमें केवल अमेरिका ही इस तकनीक में सफल है, लेकिन चीन के सफल, अब सफल कैसे लिख रहे हैं हम, सा का व्रत है, ला की व्यंजन रेखा और फ, ठीक है, सफल होने के बाद यह होड़ तेज तामेजा का तेज होने की आशंका है, तेज होने की आशंका है पूर्ण विराम। अमेरिका विशेषज्ञ, ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे हम, अमेरिकी विशेषज्ञ, तो हमने यहां पर विशेषज्ञ ये गा की आ गई, या भी चिंतित हैं क्योंकि चीन ने यह नहीं बताया है कि यह किस अभियान का हिस्सा, हफ्ता शब्द चिन्ह है, हिस्सा है, हालांकि यह बात उजागर, तो देखिए जागर ज्यादा है आप साउंड दे सकते हैं, हो चुकी है कि यह विशेष अंतरिक्ष यान चीन के, अब देखिए उत्तर पश्चिम कंबाइन किया हमने, में स्थित ज्यूक्वान सैटेलाइट सेंटर, ठीक है, तो ज्यूक्वान सैटेलाइट सेंटर हम किस तरह से लिखेंगे यहां पर, पूरा कंबाइंड हो जाएगा ये, तो इसका वर्ड आपका बनेगा इस तरह से, देखिए ये पूरा हमने ज बनाया है यहां पर, ज्यूक्वान सैटेलाइट सेंटर, ठीक है, इस तरह से हम इसे बनाएंगे, ज्यूक्वान सैटेलाइट सेंटर से छोड़ा गया है पूर्ण विराम। यह यान पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, लेकिन किस कार्य को अंजाम देगा यह केवल उसके मालिक देश को मालूम है पूर्ण विराम। यदि केवल वैज्ञानिक ढंग से सोचे तो इस, ठीक है, सिंपल सिंपल शब्द चिन्ह आए, हमेशा याद रखिए कि छोटी जो शब्द होते ना उनको कभी मत छोड़ा कीजिए, बड़े शब्द एक बार को छूट जाएं पर छोटे शब्दों को हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बड़ा शब्द छोड़ते हैं तो भी आपकी एक मिस्टेक है,
और अगर आप एक छोटा सा से छोड़ देते ना तो भी आपकी एक मिस्टेक होती है, ठीक है। तो इसलिए बड़े शब्दों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद देखिए तकनीकी में महारत हासिल करना हर उस देश के लिए जरूरी है। जरूर जरूरी का शब्द चिन्ह है हमारा, जो अंतरिक्ष में यान या सॉरी उपग्रह भेजने तो भजने की क्षमता, क्षमता ऐसे भी लिख सकते हैं, और माँ के बाद सिर्फ इसको ताको ऊपर बना के भी लिख सकते हैं इस तरह से क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अव्वल, अव्वल जब हम लिखेंगे तो किस तरह से आएगा हमारा, व और ला का सिंबल हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा क्षमता रखता है अव्वल, तो इस तकनीकी से अंतरिक्ष अभियानों, ठीक है, तो कैसे लिखा हमने, अंतरिक्ष अभियानों में होने वाले भारी व्यय में कमी आएगी। आगे आएंगे का शब्द चिन्ह ना उसी से बनाएंगे, यह सॉरी एक ही यान एक से अधिक, अब एक से अधिक जब हमें लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, एक से अधिक पूरा एक सिंबल बन जाता है जो कि एक एडवांस आउटलाइन आती है हमारी, एक से अधिक या कई बार इस्तेमाल किया जा सकेगा, पूर्ण विराम। अलग अलग मकसद, ठीक है, तो अलग का शब्द चिन्ह बनाया हमने इसी में, चूंकि दो बार आया है तो उसको दो बार यूज कर लेंगे हम, तो अलग अलग मकसद मकसद, ठीक है, से कुछ कुछ समय के लिए, ठीक है, अलग अलग मकसद से कुछ कुछ समय के लिए यान अंतरिक्ष में भेजना संभव होगा, पूर्ण विराम। इसके अलावा, तो हमने लिखा इसी को ज्वाइन कर दिया, अलावा पृथ्वी की कक्षा में अपनी सेवा पूरी कर चुके, ठीक है, चुका चुकी चुके के लिए नियर अबाउट लिखते हैं, अंतरिक्ष यानों या उपग्रहों की भरमार, इसी में राका हो गया हमारा हुक, नहीं होगी, और अंतरिक्ष में नया कचरा, तो देखिए कचरा भी कम तैयार होगा, पूर्ण विराम। इस तकनीकी में महारत हासिल करने में जुटे, एक तो ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा यही शब्द आप जा का शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जुटे देशों को यह भी कोशिश करनी चाहिए कि इस तकनीकी के जरिए पृथ्वी की कक्षा से कचरे की सफाई की जा सके, चीन ने इस यान के
शांतिपूर्ण, तो देखिए शांतिपूर्ण इस्तेमाल की बात कही है कॉमा, लेकिन उस पर यकीन ना करने की एकाधिक वजह है पूर्ण विराम, हालांकि उससे यही उम्मीद रहेगी कि वह अपनी क्षमता का सकारात्मक उपयोग करे। शॉर्टन स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट। आफ्टर बैक काउंटिंग मेडिटेशन को शुरू करूंगी, तो तब तक के लिए आप अपनी कॉपी एंड पेंसिल प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आप कॉन्फिडेंटली शॉर्टन की डिक्टेशन को लिख पाएं। और उससे भी पहले आपके लिए इसकी स्मार्ट आउटलाइन इस डिक्टेशन की और फुल डिक्टेशन एक्सप्लेनेशन मैंने अपलोड कर दी है, तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए ताकि आपकी स्पीड में ग्रिपिंग आए और आप कॉन्फिडेंटली लिख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। कोई भी वैज्ञानिक प्रगति खुशी की वजह बनती है, लेकिन यदि किसी वैज्ञानिक कामयाबी को गोपनीय रखा जाए तो चिंता होना वाजिब है। ऐसी ही स्थिति दुनिया में अभी बनी हुई है, क्योंकि चीन ने गोपनीय तरीके से एक ऐसे अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया है जिसे लौटाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। कक्षा में यान स्थापित करने का चरण वह पूरा कर चुका है और एक निश्चित अवधि के बाद वह इस यान को चीन में ही किसी जगह उतारेगा। यह प्रयोग अमेरिका भी कर चुका है और चिंता की बात यह है कि अमेरिका ने भी अपने इस अभियान को गोपनीय रखा था। यह चीनी यान भी अमेरिकी यान बोइंग X-37B जैसा बताया जा रहा है। अमेरिका ने इसी साल 17 मई को बोइंग X-37B को अपने छठे अभियान पर भेजा है। दोबारा उपयोग के योग्य यान के निर्माण अभियान में यूरोपीय स्पेस एजेंसी भी लगी है। अभी जो स्थिति है उसमें केवल अमेरिका ही इस तकनीकी में सफल है, लेकिन चीन के सफल होने के बाद यह होड़ तेज होने की आशंका है। अमेरिकी विशेषज्ञ भी चिंतित हैं क्योंकि चीन ने यह नहीं बताया है कि यह किस अभियान का हिस्सा है। हालांकि यह बात उजागर हो चुकी है कि यह विशेष अंतरिक्ष यान चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित जुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से छोड़ा गया है। यह यान पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और किस कार्य को अंजाम देगा यह केवल उसके मालिक देश को मालूम है। यदि केवल वैज्ञानिक ढंग से सोचें तो इस तकनीकी में महारत हासिल करना हर उस देश के लिए ज़रूरी है जो अंतरिक्ष में यान या उपग्रह भेजने की क्षमता रखता है।
अब्बल तो इस तकनीक से अंतरिक्ष अभियानों में होने वाले भारी व्यय में कमी आएगी। एक ही यान एक से अधिक या कई बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। अलग अलग मकसद से कुछ समय के लिए यान अंतरिक्ष में भेजना संभव होगा। इसके अलावा पृथ्वी की कक्षा में अपनी सेवा पूरी कर चुके अंतरिक्ष यानों या उपग्रहों की भरमार नहीं होगी और अंतरिक्ष में नया कचरा भी कम तैयार होगा। इस तकनीकी में महारत हासिल करने में जुटे देशों को यह भी कोशिश करनी चाहिए कि इस तकनीकी के जरिए पृथ्वी की कक्षा से कचरे की सफाई की जा सके। चीन ने इस यान के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की बात कही है, लेकिन उस पर यकीन ना करने की एकाधिक वजह हैं। हालांकि उससे यही उम्मीद रहेगी कि वह अपनी क्षमता का सकारात्मक उपयोग करे। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन? देखिए, डिक्टेशन में अच्छी ग्रिपिंग लाने के लिए कम से कम आप उसको 2 से 3 बार ज़रूर लिख के देखिए, सुन के लिख के देखिए, ताकि आपकी हैबिट आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बार बार आपको रिकॉल कराती हूँ कि जो लिखा है, जितना लिखा है, प्लीज़ उसको पढ़ के ज़रूर देखें। जब आप उस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो आपको अपने बनाए हुए वर्ड्स पर कॉन्फिडेंस आएगा और आप हर लेवल में उनको पढ़ पाएंगे। तो अभी के लिए अगर ये शॉर्ट हैंड डिक्टेशन आपकी स्पीड के लिए इम्पॉर्टेंट रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड गाइस, प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर मैं PDF प्रूफ्स आपको प्रोवाइड कराती हूँ और आपकी क्वेरीज के भी आंसर देती हूँ। आपके जो सिंबल्स आप नहीं बना पाते हैं उनकी PDF आपको प्रोवाइड कराती हूँ। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको शॉर्ट आउट करूँगी। अभी के लिए कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।